गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छठी कक्षा का हम तीसरा पाठ कर रहे थे। हमने तीसरे पाठ की हिंदी कर ली थी। आज बेटा हमारा है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला जो भाग है मौखिक कार्यम के तहत, वो क्या है, इन्होंने क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दानाम त्रिवचनेषु उच्चारणम कुरुत। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित ये जो नीचे लिखे हुए हैं शब्द, इनको तीनों वचनों में इनका उच्चारण कीजिए, यानी कि इनको बोलिए भी तीनों वचनों में कैसे बोले जाएंगे। ठीक है, जैसे बाला दे दिया, बाला आपका पुल्लिंग है तो कैसे बोला जाएगा, बाला बालाऊ बालाहा। छात्र का क्या बन जाएगा, छात्र है छात्रऊ छात्रहा, और बालक का बालक है बालकऊ बालकहा। अब सेकंड लाइन में देखिए, छात्रऊ दे दिया आपको, पहले द्विवचन दे दिया तो एक वचन में क्या इसका रूप बनेगा, छात्र है, और छात्र दे रखा है द्विवचन में, बहुवचन में क्या हो जाएगा, छात्रहा। मूषकहा, मूषका में वचन है आपका बहुवचन, एक वचन में क्या हो जाएगा, मूषक है, द्विवचन में मूषकऊ। और फलम आपका नपुंसक लिंग है, तो फलम आपका एक वचन में दे रखा है, द्विवचन में क्या बनेगा, फलम दे रखा है तो फले द्विवचन और फल फलानी बहुवचन। ठीक है, अब आइए लिखित कार्य में जो हमारा पार्ट नंबर दो है, सेकंड पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है उचित पदेन उचित पदों से रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान खाली स्थानों को भरिए। ठीक है, जैसे क्या है, ये छात्र, छात्र शब्द दे दिया हमें, इन्होंने कहा है कि एक वचन द्विवचन बहुवचन में जहाँ आपको फिलअप दे रखा है, आपको रिक्त स्थान दे रखा है, वहाँ भरना है। एक वचन में छात्र बन गया, द्विवचन में नहीं दिया कुछ भी और बहुवचन में नहीं दिया। अब आपको ये मैंने बताया था कि जो हमारे पुल्लिंग होते हैं तो उनके रूप कैसे चलते हैं, एक वचन में कैसे, बहु द्विवचन में कैसे और बहुवचन में कैसे। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, छात्रऊ, और बहुवचन में छात्रहा। बाल का बन गया बाल है बालऊ बालाहा। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। बालिका बालिके बालिकाहा। माला माले मालाहा। तत् ते तानी। ठीक है, ये बेटा और तो आप सारे फिल कर लोगे, ये आपका तत् वह सर्वनाम शब्द है, इसके जब रूप चलेंगे, जब हम याद करेंगे तो आप उस समय आपको याद हो जाएगा। आप यहाँ इसको यह ऐसे नहीं लिखोगे तत् तौ तानी, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। फिर बेटा आपका है थर्ड पार्ट, क्या कहा, कोष्ठकात् शुद्ध पदम चित्वा रिक्त स्थानानि लिखत। कोष्ठकात् ब्रैकेट से शुद्ध पदम जो ठीक पद है चित्वा चुनकर और रिक्त स्थान में लिखत लिखिए, यानी कि आपके जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको हिंदी में या संस्कृत में क्या बोलते हैं, कोष्ठक। तो आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं और तीन ऑप्शन आप में से आप ये एक ठीक है इनमें से, उसको आप यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, खाली स्थान बालऊ। अब बालऊ आपको बताया था मींस दो बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर तौ ते सह, सह का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे। अब ना तो यहाँ पर एक वचन है ना बहुवचन है, तो द्विवचन क्या है, तौ, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, बालऊ, तौ बालऊ वे दोनों बालक। समझ में आया। फिर बेटा खालिस्तान अश्व है, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़ा। एश का अर्थ होता है यह, एते ये, और एता ये सभी। तो आपको यहाँ पर घोड़े कितने दे रखे हैं, एक ही दे रखा है, तो क्या आएगा इसके साथ, एश है, यह है घोड़ा। ठीक है, एते भी नहीं आएगा, एता भी नहीं आएगा, मिस्टेक हो जाएगी, एते ये होता है ये घोड़े, तो घोड़ा तो एक ही दे रखा है। ठीक है, फिर है खालिस्तान लते बेल, लते लता लते लता, दो बेल। तो यहाँ पर दो के साथ द्विवचन के साथ कौन सा वर्ड आना चाहिए, सा ता या ते, कौन सा आएगा, ते ते, ते का अर्थ भी वे दोनों और लते का अर्थ दोनों बेल।
फिर है खालिस्तान रमा, रमा लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या है एशा, एता, एते, एता वे सभी, एते ये दोनों, रेशा यह है, तो यहाँ पर रमा क्योंकि एक वचन है इसलिए क्या आ जाएगा एशा। फिर है बेटा खालिस्तान पुस्तकानी, बहुत सारी पुस्तकें, ठीक है बहुवचन में है, इधर हमें बहुवचन का ही वर्ड लेना है, तत् वह, ते वे दोनों और तानी बहुवचन यानी कि वे सभी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तानी पुस्तकानी। तो आप वैसे भी आप दे सकते हो न करने से अच्छा, आप यहाँ पर देखो देखो बालव तऊ, अश्व एश, लते ते, रमा एशा, पुस्तकानी तानी, ठीक है। जब कई बार बच्चे आते आते मिस्टेक करते हैं जिनको लिखना ही नहीं समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है। अब बेटे आपका तीसरे पार्ट का लास्ट में है, निम्नलिखित वाक्येषु शुद्धम अशुद्धम चिह्नेन अंकित कुरुत, ये कह रहे हैं जो निम्नलिखित आपके जो वाक्य दे रखे हैं उनके सामने गलत शुद्ध ठीक अशुद्ध गलत उनके सामने टिक लगाइए। क्या भाग देखिए, सह बालक अस्ति, हिंदी क्या हो इसकी, वह बालक है, तो इसमें तो कोई भी मिस्टेक नहीं है इसलिए ये ठीक है। क्या मैं देखिए, ते बालकौ स्त, ते वे बालकौ दो बालक स्त हैं, ते का अर्थ है वे सभी, बालकौ दो बालक स्त हैं, आगे तो दे दिया वे सभी और बालकौ में दे दिया आपका द्विवचन, यहाँ बहुवचन या द्विवचन, तो ये गलत है, ठीक है। फिर है बेटा एश अज अस्ति, एश है यह, अजा बकरी, अस्ति है यह बकरी है, देखो बेटा एशा का मीनिंग यह होता है, ठीक है, और एशा का मीनिंग भी यह होता है। अब एश जैसे हमारा हिंदी सॉरी इंग्लिश में होता है ना ही और शी, होता तो मीनिंग वही है कि वह, लेकिन वर्ड तो अलग है ना, इसलिए एश है, एश जो है वो लगता है पुल्लिंग के लिए, लेकिन यहाँ तो बकरी की बात हो रही है जो कि स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर यह गलत है। फिर बेटे ते मक्षिका संती, ते वे सभी मक्षिका मक्खियाँ संती मक्खियाँ हैं, तो ते वैसे तो बहुवचन है ये भी बहुवचन का है, लेकिन ते वो क्या है ये पुल्लिंग के लिए है इसलिए ये गलत है। फिर बेटे सा बालका अस्ति, वह लड़की है, तो सा लड़की के लिए सा ही आता है, तो ये वाला ठीक है। ते पुस्तकानी संति, वे सभी किताबें हैं, ते तत् ते, ते तो दो द्विवचन हो गया, पुस्तकानी बहुवचन हो गया, तो तानी पुस्तकानी होता तो ठीक होता, नहीं तो ये गलत है, ठीक है। अब रचनात्मक कार्य में देखिए क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा चित्राणी दृष्ट्वा तेषाम अधः उचितम वाक्यम संस्कृते लिखितम, यानी लिखत कि उचित वाक्य देकर आप संस्कृत में इनके वाक्य आप संस्कृत में लिखो कि ये पिक्चर में कर क्या रहे हैं। तो पहला सबसे पहला क्या है कि बच्चा गेंद से खेल रहा है, ये आपको संस्कृत जब अनुवाद सिखाए जाएंगे तब आएंगी। बालक है कंदुकेन क्रीडती, यहाँ पर क्या है एक आदमी गाता हुआ दिखाई दे रहा है, गायक है गायती, फिर यहाँ पर क्या है लड़की पढ़ रही है, तो सा सा पढ़ती, ये भी सर्ग नहीं आएंगे बेटे सा के साथ, ठीक है। फिर है लड़की दौड़ रही है बालिका धावती, तो बेटा ये आपका था कौन सा थर्ड चैप्टर, ठीक है, और ये मैंने सारा बहुत अच्छे से करवाया है, आप इसको अच्छे से करना।